केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ और एनआरसी बिल को लेकर आज विधानसभा पर राज्य के मुस्लिम संगठनों ने बड़ी संख्या में जुलूस निकालकर विधानसभा पर दस्तक दी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता संजय मिरे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इसलिए हमें मुस्लिम परिषद की ओर से आज ये तमाम लोग अपनी मांगों को लेकर विधानसभा पे दस्तक देने के लिए जा रहे हैं। आप देख रहे हो कि सुबह से ही यहाँ पे लोगों का हुजूम उड़ चुका है, तांता लगा हुआ है, पार रखने की जगह नहीं है। कुछ हमारे साथ लोगों से बात, सर ये बताइए क्या सरकार को क्या बताने जा रहे हो? सरकार को ये बता रहे जो तुम्हारे गलत कानून से इस देश के अंदर जो फैलाया जा रहा है उसके वजह से बहुत ही राजा। आज देश के अंदर में जो जमात इस्लामी के ऊपर में जो स्टूडेंट के ऊपर में जो हमले हुए उसके कारण आज देश के अंदर में और ये जो केंद्र शासन ने जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने तानाशाही के हिसाब से जो एक मुस्लिम वर्ग को दबाने के लिए जो बिल देश के अंदर में लेकर आया है और ये बिल हम लोग ये पूरे ये विधानसभा पे ये दस्तक देने के लिए जा रहे हैं कि ये बिल सरकार ने केंद्र शासन ने ये वापस लेना चाहिए और इस तरीके से जो देश के अंदर में अमन और सुकून को जिस तरीके से नरेंद्र मोदी तानाशाही और जो अमित शाह ने जो देश के अंदर में एक तानाशाही का जो हुक्म चलाया है और हर एक बिल जो है मुसलमानों के खिलाफ में जो देश के अंदर में एक वातावरण बिगाड़ने का काम करा, ये देश एक स्वतंत्र देश है, एक इसके लिए सब लोगों ने आज़ादी में हिस्सा लिया है और इस देश के अंदर में अमन और सुकून को ये केंद्र सरकार ने अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने इसको खत्म करने का जो काम किया है, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र है और बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाला संविधान है इस देश के अंदर में। जिस तरीके से देश के अंदर में हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने जिस तरीके से देश की स्वतंत्र आज़ादी के लिए हिस्सा लिया था, आज वो इस देश के अंदर में एक कौम के ऊपर में जिस तरीके से हालात को बिगाड़ने जा रहे हैं इसके लिए पूरा मुस्लिम समाज, दलित समाज और सारे सिख समाज और जितने भी हमारे अल्पसंख्यक के समाज के लोग हैं ये इस चीज को दस्तक देना चाहते हैं कि ये जो केंद्र सरकार ने जो ये बिल लिया है ये वापस होना चाहिए और इसके बाद में भी इस तरीके से हर तरीके से इस देश के अंदर में जिस तरीके से वातावरण खराब हुआ है तो ये केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से खराब हुआ है, क्योंकि देश का अमन और सुकून इन लोगों ने छीन लिया है। इतना कहते हुए मैं अपने दो शब्द, क्या नाम आपका? मेरा नाम ताजे राजा है। तो जिस प्रकार से इन्होंने बताया हम आपको थोड़ा बता दे, थोड़ा पैन कीजिए, हम आपको दिखा सकते हैं कि ये हजारों की तादाद में लाखों की संख्या में हम कह सकते हैं ये लोग विधानसभा पे दस्तक देने के लिए पहुंच चुके हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं और देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस प्रकार से इस बिल को पास करने की कवायद की है वो ताना चाहिए और नहीं चलेगी, ऐसे लोगों का कहना है। मुस्लिमों के खिलाफ की गई यह साजिश है, यह साजिश कतई हम लोग सहन नहीं करेंगे, इस तरह की बात ये लोग करते हुए नजर आ रहे हैं और आखिरकार सरकार को अपनी बातें मनवाने के लिए ये तमाम लोग पूरे भारतवर्ष से हजारों की तादाद में विधानसभा के ऊपर में दस्तक देने के लिए निकल चुके हैं। और भी हम आपको पल पल की जानकारी बीसीएन के तमाम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। इस समय में